सहारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सारा समय, आपके साथ में रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। नैनीताल में प्लास्टिक के कचरे से फैल रही है गंदगी की सफाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने गूगल मीट अफसरों की बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया है कि बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो प्लास्टिक जैसे कूड़े के प्रबंधन के लिए स्कूली विद्यार्थियों के जरिए जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों के स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी पैदल ही चलकर आते हैं। विद्यार्थियों के घर में स्कूल तक पहुंचने में जहां तक कूड़ा बिखरा है, इन विद्यार्थियों के माध्यम से जमा कराया जाए। इसके लिए प्रधानाचार्य को हर विद्यार्थी के लाए कूड़े का रिकॉर्ड रखना होगा। सबसे ज्यादा कूड़ा जमा करने वाले विद्यार्थी को सम्मानित भी किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वो घरों से स्कूल की तरफ अपना पैदल आते हैं, तो एक इंसेंटिव के रूप में, ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी है कि अगर स्वेच्छा से अगर कोई बालक रास्ते में पड़े पॉलीथीन को लाता है और इवन घर में अगर पॉलीथीन है तो वो अपने स्कूल में जमा करता है, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। उस रिकॉर्ड के आधार पर जिस स्कूल में जो बच्चा सबसे ज़्यादा पॉलीथीन जमा करे और स्कूल सबसे ज़्यादा पॉलीथीन जमा करेगा उस स्कूल और बच्चों को उसका देंगे। उसके पीछे से ये मंशा है कि जो आई सी एक्टिविटीज हम लोग शुरू कर रहे हैं केवल स्टूडेंट को, अगर हम स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं तो उसके पेरेंट्स को भी प्रेरित करेगा और स्टूडेंट्स को हम लोग ये समझा रहे हैं कि इसका उपयोग कम ही और घर में उनके पेरेंट्स पॉलीथीन का कम उपयोग करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, शिक्षा विभाग के अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, विभाग के अफसरों को दिशा निर्देश जो कूड़ा प्रबंधन को लेकर है, जिस तरह से जिलाधिकारी ने प्लास्टिक कूड़े को जमा करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने की बात की, योजना की बात कही है, और उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आपको फिलहाल मैं ये बता दूं कि जिला प्रशासन भी तब जाग रहा है जब नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। खुद नैनीताल हाईकोर्ट जो है 8 तारीख को धानाचुली क्षेत्र में जाकर के जो मुख्य न्यायाधीश है वो देखेंगे कि कूड़े का निस्तारण किस तरह से हो रहा है, धरातल स्थिति जानेंगे। तो अब जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है जिस तरह से हाईकोर्ट ने लिया है, तो कुल मिला के हाईकोर्ट ने ही सख्त आदेश दिए है, उसके बाद जिला प्रशासन जागा है। और इस तरह से जो योजना है बच्चों को पुरस्कृत करने की योजना है, इस बात की अब पहल की जा रही है। इससे पहले क्यों नहीं पहल की जाती है? जब हाईकोर्ट के स्वयं मुख्य न्यायाधीश वहां जाने की सोच रहे हैं जहां पर कूड़ा प्रबंधन देखा जाएगा, तो कुल मिला के जिला प्रशासन हाईकोर्ट के कहने के बाद अब सख्त हुआ है। लेकिन अब देखते हैं जमीनी स्तर पर कितना कार्य करता है जो अधिकारी को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कितना जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। कुल मिला के जो है जिला प्रशासन ने अब ये योजना बच्चों को जो कूड़ा प्रबंधन है प्लास्टिक को है एकत्र करने की योजना की बात कही है और इनाम देने की बात कही है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि बच्चों से कूड़ा उठवाने की का फरमान जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्य न्यायाधीश अब इस क्षेत्र में घूमने वाले हैं, देखने वाले हैं और जमीनी स्तर पर देखने वाले हैं कि कूड़ा प्रबंधन को लेके अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और कैसे ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो उसके बाद जिला प्रशासन गूगल मीट कर रहा है, गूगल मीट के माध्यम से सब अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहा है और बच्चों के लिए इनामी योजना निकाल रहा है कि कूड़ा एकत्रित करें, प्लास्टिक एकत्रित करें, तो ऐसी योजना फिलहाल चल रही है। लेकिन अब जिला प्रशासन रिकॉर्ड रखने की बात कर रहा है, जो टीचर्स हैं विद्यार्थी के कूड़े का रिकॉर्ड रखेंगे, रिकॉर्ड रखने के बाद उस तरह से उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि देखने वाली बात है, बिल्कुल देखने वाली बात है, और कूड़े का हिसाब भी रखा जाएगा किस बच्चे ने कितना कूड़ा उठाया। और ये एक जागरूक अभियान, इससे बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। विधानसभा भर्ती घोटाले में अपने नाते रिश्तेदारों को भर्ती करने के आरोप में गोविंद सिंह कुंजवाल भी उंगली उठी है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत गोविंद सिंह कुंजवाल को कुंजवाल का बचाव करते नहीं थक रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि ये परंपरा सन 2000 से चली आ रही है, लेकिन कुंजवाल के समय की भर्तियों को उन्होंने नियम सम्मत बताया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके कार्यकाल में हुई भर्तियों को जायज माना है। उसी का पालन किया है,
और गोविंद सिंह कुंजवाल जी एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं जिनके कार्यकाल की भर्तियों को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में फुल बेंच ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ने दोनों की अध्यक्षता की बेंचों ने उनकी भर्तियों को नियम संगत माना है विधि संगत माना है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा तो नहीं हूँ ना। अब मैं केवल इसलिए तो नहीं कह सकता कि आप कुंजवाल को सजा दे दीजिए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, सब चीज़ें विधि सम्मत हो सकती हैं सब चीज़ें, मगर जो बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के असरदार लोगों के रसूखदार लोगों के रिश्तेदार लगे हैं वो उन नियुक्तियों में चाहे वो नियुक्ति किसी कार्यकाल में हुई है किसी प्रकार की नियुक्ति हुई है उसमें नैतिक बल नहीं है। 2000 में मैं तो उस समय भाजपा मुझसे जब पहली विधानसभा निर्वाचित बनी थी वो मुझसे इसलिए खपा थे, वो कहते थे इसके नेतृत्व में कांग्रेस ने हमको सत्ता में नहीं आने दिया और जो कांग्रेस के लोग सत्ता में थे वो समझते थे पता नहीं ये क्या है, हा? तो मैं तो उस समय नॉन पर्सन नॉन ग्राटा जैसा था, यदि मुझसे कोई राय पूछता तो मैं सॉल्यूशन बताता इसका। लेकिन जब एक परंपरा चल गई आगे बढ़ गई उसको विधानसभा ने इंडोर्स भी कर दिया, विधानसभा के अध्यक्ष को संख्या कितनी होगी ये निर्धारित करने के लिए अधिकृत भी कर दिया श्री प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में कमेटी ने 500 की संख्या भी निर्धारित कर दी, तो हमारे लिए तो कुछ करने को रही नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला मामले में अब कांग्रेस काफी खुलकर बेटिंग कर रही है। 2 सितंबर को कांग्रेस ने विधानसभा गेट के बाहर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जब उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी और अध्यक्ष दोनों के बयान विरोधाभासी हो और सरकार जांच की बात कह रही है तो शंका स्वाभाविक है। करण महारा ने उन सभी रसूखदार लोगों को जिन्होंने अपने अपने नाते रिश्तेदारों को भर्ती किया है उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। बीजेपी के प्रभारी कहते हैं कि साहब जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मोदी जी ने संज्ञान ले लिया, मंत्रियों को बुलावा दे दिया, ये दे दिया। दूसरी तरह सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला कि अध्यक्ष जी कहने इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, तो पार्टी का अध्यक्ष कुछ और बोल रहा है और प्रभारी कुछ और बोल रहा है, ये चिंता का विषय है। बात सही हो सकती है कि नियमों का पालन हुआ हो, लेकिन वो अधिकार जिनसे नियम बने के अधिकार भरोसे से दिया गया कि समदृष्टि होगी, 2011 की नियमावली का पालन होगा, अधिकार इसलिए दिए गए कि सुचिता होगी और जिसको दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी से अपने को दिए गए अधिकारों का जिम्मेदारी के संग इस्तेमाल करेगा। लेकिन देखने में ऐसा नहीं आया। 2002 से लेकर अभी तक की जितनी भर्तियां हुई हम उन सब की जांच की मांग कर रहे हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं धीर गंभीर जिन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगाई हैं उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगने के साथ साथ राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उत्तराखंड बीजेपी के नेता शादाब शम्स ने अपने ही तेवरों में कांग्रेस पर वार किया और कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय ही कांग्रेस है। जो ईडी के खिलाफ अपने नेताओं को भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए बैठती है वो ईमानदारी की बात करिए। NH-74 के किसानों का पैसा जिनके ऑफिशियल अकाउंट में आया हो वो ईमानदारी की बात करती है। अरे घर के भ्रष्टाचार को तो दूर कर लो पहले, बाहर के भ्रष्टाचार की बात तो बाद में करेंगे। तो ये बात केवल और केवल सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, अपनी जी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस ईमानदारी का ढकोसला कर रही है। सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और अगर एक शब्द में एक प्रायवाची के रूप में देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस ही हो। उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामला और विधानसभा भर्ती घोटाला मामले में सामने आने के बाद अब राज्य के बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तरकाशी की यमुना घाटी के बेरोजगार युवाओं ने बड़कोट में सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली, साथ ही भर्ती घोटाले की जांच CBI से कराने की मांग की है। युवा बेरोजगारों ने तहसील परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा,
जिसमें उन्होंने भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले के बाद जो है युवाओं में जन आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। हर जगह उत्तराखंड के हर जनपद में बेरोजगार युवक जो है सड़कों पे आ चुके हैं और उत्तरकाशी के बड़कोट में युवाओं ने महारैली निकाल करके सिर्फ सीबीआई की मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी कई दोषी हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, उनको फ्रंट लाने की बात युवा कर रहे हैं। सड़कों पर आ चुके हैं युवा और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन ये लोग भेज रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, आप लोग आज जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, क्या है ये रैली और महान घोटाला हुआ है? यस राजू अभी तक बाहर घूम रहा है, संतोष बटोनी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए संदेह होना लाजमी है। जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करती है हमें एक दिन का तनिक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि 2016 से बेरोजगार चिल्ला रहे हैं कि भर्ती घोटाला हुआ है लेकिन संतोष बटोनी यस राजू बोलते नहीं हुआ है, नहीं हुआ। 2022 तक ये तभी चेते हैं जब युवा सड़कों पर उतरे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इतना प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसा आदमी विधानसभा में बैकडोर एंट्री, गोविंद सिंह गुंजवाल की बैकडोर एंट्री, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बैकडोर एंट्री और सहकारी बैंक की बैकडोर एंट्री, इन्होंने मजाक बना दिया है और इस उत्तराखंड को भेज दिया है, मजाक बना के चला। कुछ बालिकाएं भी है, क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह की बिल्कुल सीबीआई की मांग आप लोग कर रहे हैं, आप जन आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का है आपका अभियान और क्या चाहते हैं? ये अभियान उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, बेरोजगारों के हकों पे जो ये सरकार है, ये जो भी सरकार आ रही है बेरोजगारों के हकों को छीना जा रहा है। जो बच्चे घर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और अब इनके माँ बाप जो इनके अभिभावक हैं अपने कमाई का अपने पेट पर लात मारकर जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के मंत्री जो है अपने रिश्तेदारों की फौज कोई बिहार से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है और अपने रिश्तेदारों की फौज को विधानसभा में जहाँ पर हमारी जनता के लिए हमारे बेरोजगारों के लिए कानून बनते हैं वहाँ पर नौकरियों को बेचा जा रहा है। एक मात्र गोरे कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर जो है सचिव बनाए जाते हैं विधानसभा के अंदर, जहाँ पर हमारे बेरोजगारों अपने प्रदेश के लिए विकास की नीतियाँ बनती हैं। दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, आज उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की आज आपको याद दिला दूँ कि सबसे पहले जो आज खटीमाकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था वो भी भ्रष्टाचार, तत्कालीन भ्रष्टाचार के खिलाफ। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। हल्द्वानी में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे। मौजूद 7,17,00,000 रुपए की लागत से बने इस 2 लेन के पुल से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जाना लोगों के लिए आसान होगा। इस मौके पर सीएम धामी ने अमृतपुर तक रोड शो भी निकाला। अमृतपुर में उन्होंने सभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि रानीबाग पुल कुमाऊं की लाइफलाइन जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा है। अक्सर इस पुल पर जाम की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता है, लेकिन अब पुल के 2 लेन के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा। हरिद्वार जिले में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 6 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। चुनावी शेड्यूल में 26 सितंबर मतदान की तारीख तय की गई है, वहीं 28 सितंबर को चुनावों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है, चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा और जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न होंगे। आपको बता दें कि मार्च 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, कार्यकाल उसके बाद से लगातार प्रशासन पंचायत स्तर पर होने वाले कामकाज देख रहे थे। इसका त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की यहाँ पर पूरी एक शेड्यूल जारी कर दिया है। कल उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग उसका जारी करेगी अधिसूचना और वहां से जारी होने के उपरांत फिर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 6 तारीख से निर्वाचन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 6, 7, 8 3 दिन रखा गया है नामांकन के लिए।
फिर 9 से 11 तक उसकी स्क्रूटनी होगी, 13 को चुनाव चिन्ह आवंटन है और 26 को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना का समय निर्धारित किया गया है। आज मैं भी एक मीटिंग में ही जा रहा हूँ, हमारे जितने भी SDM, CO और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक होगी। आदर्श आचार संहिता को सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो यह सुनिश्चित करना हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता के चरण में पहला काम होगा। उत्तराखंड में इन दिनों 4 और जिला बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार धामी सरकार रुड़की, रामनगर, काशीपुर, रानीखेत, कोटद्वार को जिला बना सकती है। हालांकि सरकार इस पर कसरत कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व CM हरीश रावत का कहना है कि वो जिलों के गठन को लेकर पूरा फ्रेमवर्क बनाकर गए हैं, धामी सरकार को तो सिर्फ घोषणा करनी है। हरीश रावत का कहना है कि जिलों के पक्षधर वो भी रहे हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि भर्ती घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने नए जिलों के गठन का शिगुल छोड़ दिया है। मैं तो जिलों का समर्थक हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में पहले 9 की वो की थी, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की थी बजट में 2016 के, मगर बाद में जब बातचीत की मंत्रिमंडल में तो मैं 11 जिले बनाने तक के लिए तैयार हो गया था। मैंने कहा 11 जिले और हमारे पास उसका जस्टिफिकेशन भी है। हम सारा ग्राउंड वर्क करके गए हैं, तहसीलें बना करके गए हैं, उप तहसीलें बना करके गए हैं, पटवारी हल्के बना करके गए हैं, तो धामी जी को तो बस मंत्रिमंडल की बैठक करनी है और मुहर लगानी है। खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी के मौके पर खटीमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद स्मारक CM धामी ने राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में शहीदों का ये बलिदान हमेशा याद रहेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा में चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस ने आंदोलन को कुचलने के लिए राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी थी। इस गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद आंदोलनकारियों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी के मौके पर देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर भी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राज्य आंदोलनकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही शहीदों के सपनों के उत्तराखंड का संकल्प लिया गया।
कि इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। कई लोगों ने इस मौके पर रक्तदान किया। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। रंजीत सिंह वर्मा जी हमारे अग्रणी नेता थे कांग्रेस के, और मैं उनके नाम पे कोरोना में भी उनके नाम से शुरू करा था। आज मेरा तीसरी 3 साल से लगातार हम उनके नाम से ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि समाज में रंजीत सिंह वर्मा जैसे आदमी बहुत कम उन्होंने दो दो बार विधायक रहे हैं और उत्तराखंड की उसमें सबसे आगे रहे, और जिनकी मार्गदर्शन आज हमें सके सीखने को मिला कि इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रंजीत सिंह वर्मा जैसे आदमी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि भी देता हूँ, और कटनी में और मसूरी के लोगों को भी श्रद्धांजलि। हमें आंदोलन में भाग लिया और मैं चाहता हूँ सभी से अनुरोध करता हूँ रक्तदान के लिए सब आगे आए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर एक युवक ने मां बेटी को दिन दहाड़े हत्या कर दी। मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां की घर में घुसकर हत्या की गई, जबकि बेटी की हत्या घर के बाहर की गई। हत्यारे ने धारदार हथियार से दोनों की हत्या की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। इलाके में मर्डर की खबर सुनकर दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। इसमें आज अभी एक अली खां मोहल्ले में एक सलमान नाम का लड़का है जो अली खां का ही रहने वाला है, उसने दो महिलाओं का जो है अभी एक चाकू से जो है वार करके उनकी हत्या कर दी है, और खुद ही वो जो है सूचना देने कोतवाली आया है। और इस पर मौके पर पुलिस गई तो वहाँ पर माँ और बेटी दोनों की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिन पे चाकू से वार किया था और वहाँ पर काफ़ी खून भी बह रहा था। तो मौके पर पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई है और अभी पीएम के लिए दोनों डेड बॉडी भेज दी गई हैं। इसमें जो सलमान है जिसने ये कांड किया है, तो इसमें इसका ये कहना है कि लड़की को काफ़ी समय से जानता है, 13-14 सालों से जानता है, और उससे वो शादी करना चाहता था। उसका ये कहना है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया और अब वो शादी नहीं कर रही थी लड़की, उनको काफ़ी 3-4 लाख रुपए कुछ इस तरह का भी कह रहा है कि मैंने उनको पैसा भी दिया था क्योंकि वो सऊदी अरब में काम करता था, तो इसी के चलते रंजिशन उसने उनको दोनों को मारा है। देहरादून के विकास नगर के कालसी क्षेत्र में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और 3 शवों को खाई से निकाला। मरने वालों के दिलशाद और परमेश हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, जबकि 3रे शव की पहचान नहीं हो पाई। एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को पुलिस को सौंप दिया। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र के सरखेत में बीते दिनों आई आपदा के बाद से बादल घाटी में जानमाल का नुकसान हुआ। अभी भी वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण काफी भयभीत हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त भवन रहने लायक नहीं है, लिहाजा ग्रामीणों ने अब यहां से पलायन शुरू कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर संवाददाता संदीप नेगी पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। 19 अगस्त की रात को बादल घाटी में बादल फटने के बाद से जो तबाही हुई है उसका मंजर आप सीधे तौर पर मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं। अब ये घर महज पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन घरों में जो लोग रहते थे उन्होंने अपना आसियाना माल देवता बनाया हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें वहां पर रहने के लिए जगह दी है, लेकिन जगह कब तक दी है इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं है। और लेकिन जो अब ये घर है बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। इन घरों में पूरी तरह से मलबा घुस चुका है और पूरे जिस क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, और जो कुछ यहाँ पर घर बचे हुए हैं उनकी स्थिति कहीं से भी रहने लायक नहीं है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, अभी तक लगातार जो सरकार की जो मशीनरी है वो यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रही है, मलबा यहाँ से निकाला जा रहा है और इन घरों को रहने लायक बनाया जा रहा है। लेकिन इन घरों में रहने वाले बासिंदों का कहना है कि अब ये घर किसी भी प्रकार से रहने लायक नहीं है, क्योंकि घरों में मिट्टी घुस
चुकी है, पत्थर घुस चुके हैं, बड़े बड़े बोल्डर घुस चुके हैं और जो घरों की जो दीवारें हैं वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त बरसात का मौसम भी है और लोगों को लगातार खौफ सता रहा है कि आखिरकार कब एक बार फिर से न जाने उन्हें ऐसा फिर मंजर देखने को मिले। तमाम जो बेसिक स्कूल थे और जूनियर हाई स्कूल थे वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और गाँव का जो एक जो केंद्र था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार अब यहाँ से उन्हें कहीं और अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। सरखेत गांव से सारा समय के लिए संदीप नेगी। टिहरी ठेकेदार संघ अपनी मांगों को लेकर टिहरी के लोक निर्माण विभाग के बाहर 23 दिनों से धरने पर बैठा है। ठेकेदारों का कहना है कि रॉयल्टी दरों को बढ़ाने से ठेकेदारों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने रॉयल्टी की दरें पूर्व की भांति रखने की मांग की है। ठेकेदार संघ का कहना है कि सरकार बड़े बड़े टेंडर निकाल रही है, सरकार बहुत बड़े बड़े टेंडर निकाल रही है, इससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो रहे हैं जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। उन्होंने छोटे छोटे टेंडर भी निकालने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। उधर ठेकेदारों की मांगों पर अफसरों का कहना है संघ की कुछ अपने डिमांड है, जैसे जीएसटी के उनके कोई डिमांड है, जीएसटी के कंसर्न में है, एक ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके डिमांड है, एक इनका रॉयल्टी का तो गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था लागू कर दी है, तो इनकी कुछ तीन चार डिमांड्स है लेकिन वो सभी शासन स्तर की डिमांड है, हमारे स्तर की नहीं है। इसलिए हमने इनको कहा भी है कि भाई आप हमें धरना यहाँ से हटाएं और बाहर कहीं आपको करना है, तो चिट्ठी हमने इनको लिख रखी है, तो वही उनको डिमांड है कि अब खंड स्तर से कोई संभव नहीं है, सारे जो नीतिगत मसले हैं वो शासन स्तर से डिसीजन लिया जाएगा। हमारी चार सूत्री मांगी हैं। सबसे पहले हमारी मांग है जो रॉयल्टी की है, जो सरकार द्वारा शासन जारी किया गया है कि रॉयल्टी पे आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा, अगर आप एडवांस जमा रॉयल्टी नहीं करते हैं और अगर आप साइड पे वो किसी प्रकार का वो खनन करते पाए जाते हैं तो 5 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि रॉयल्टी पे सरकार पहले की तरह जो डिपार्टमेंट जो काटता था रॉयल्टी वही काटे और वही जमा करे और इसको यथावत रखे। अगर आपके मांगे नहीं माने गए तो हमारी मांगे नहीं मांगे जाती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। देख रहे हैं आप की दुनिया भर की आपदाएं आ रही है, ठेकेदार के बिना कोई काम नहीं हो सकता, न ठेकेदार काम करने को तैयार है और सरकार ने अगर हमारी मांग नहीं मानी तो हम पूरे जितने भी निविदाएं होती है हम किसी कोई भी काम नहीं होने देंगे, पूरे काम बाध्य हो जाएगा तो सरकार को ऑटोमेटिक पता लग जाएगी काम कैसे करना पड़ेगा, बिना ठेकेदार का कोई काम हो ही नहीं सकता। ठेकेदार को अगर ऐसे ठेकेदार की मांगे नहीं मानी जाएगी तो सरकार को हम तो यहाँ से आक्रोश होकर विधानसभा घेराव भी करेंगे। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों का तांता लगा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि इन दिनों बुखार के मरीज केंद्र पर आ रहे हैं जिनके खून की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी मरीज में डेंगू टाइफाइड या मलेरिया के लक्षण नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि मौसम चेंज होने के कारण बुखार जैसे लक्षण लोगों में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों के आसपास लोग साफ सफाई रखें। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की